अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आप जो ये देख रहा हूँ, जो काम अभी देख रहा है, ये फ्रांजी, आर्मी में फ्रांजी बोलता, इंग्लिश में इंग्लिश कुर्सी बोलता है इसको। तो ये जमीन से ऊपर रखना पड़ेगा, ये तरीका ऐसा है। तो असली बात ये तो कंपनी से आता, इसको बारे में मालूम पड़ना पड़ेगा, कितना महंगा महंगा के बारे में मालूम क्योंकि ये पहला करके आना पड़ता है। ये 4 इंची का पाइप है, इससे वो मैला जाता, जिधर से पानी आना पड़ेगा ऊपर से पानी आके इसको सप्लाई दिया। सप्लाई देने के बाद इधर आता, ये जमीन का नीचे जाता, ये साइफन है, ये साइफन से इधर आता। तो असली बात क्या है, इसको जो मागस है, ये मागस का जो जो आदमी मालूम है, एक वही आदमी ये नगा सकता है। क्यों, ये फिटिंग करके अच्छे से फिटिंग करके आएगा तो ये उसमें नगा सकता, नहीं तो नहीं नगा सकता। 1 इंच फराग होएगा, ये नहीं नगेगा। ये उधर का दिलवा है, वो इधर नगाएगा, वो आएगा इधर। तो असली बात है, इसको से इसको कितना महंगा सागना पड़ेगा, 8 सेंटी इधर से इधर 8 सेंटी आगना पड़ेगा, जिधर भी लगाओ 8 सेंटी इधर से ये 8 सेंटी आगना पड़ेगा। आइए जमीन से तुम्हारा जितना आग सकता मुश्किल नहीं, अपना बढ़ने का जितना आता उतना हिसाब से आगो। जैसा इधर 30 सेंटी भी आग सकता, जैसे 25 सेंटी रखा तुम बहुत थोड़ा ऊपर आग सकता, मुश्किल 35 नहीं। 35 असली असली माँ भाई 35 इधर भी आ सकता, मुश्किल नहीं, ये भी असली चलेगा। नहीं थोड़ा इधर आएगा तो ये बटने में हाइट में अच्छी होएगा। तो ये पाइप सप्लाई देगा पानी, पानी इधर फ्रांसी में आके एक अस्टर ये इसको अंदर चलेगा दूसरा पाइप में। तो ये माप 80 से आगना पड़ेगा। मेन और मेन चीज तुम्हारा जिससे से जमीन से तो 4 फुट आएगा, 4 इंच का पाइप आएगा, इधर एल्बो दे के इधर बाहर को रखना पड़ेगा। तो इधर ये इधर साइपोन ये आ ये जाएगा इधर, तो ये नीचे आ ये आएगा इधर। तो ये मगास अच्छे से नहीं होएगा तो वो इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा। मेन मगास है फ्लैश टैंक और 4 इंच का जो मशहूर है, ये मागास मेन रहेगा। हाँ, और ऊपर हाइट 35 रखे जमीन से तो सही है, मुश्किल नहीं। वो मुश्किल नहीं, तुम इधर से थोड़ा कम ज्यादा 35 40 38 37 जितने रखो मुश्किल नहीं, लेकिन इधर से ये माप असली से रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा आखा 7 7 आ गया, 1 इंच कम ही हो गया, इसलिए थोड़ा हम लोग को मुश्किल हो रहा है। तो 8 रहेगा, ऐसे 8 रहेगा नीचे से, इधर से 8 रहेगा ना, बराबर उसमें से उधर नापा, इधर नापा के तो पहला ये भी मिसमार होएगा, इधर होल मारना पड़ेगा, इधर होल मारना पड़ेगा। तो पहले कुर्सी लगा के उसका निशान लगाओ, निशान लगाने के बाद ये जो होल हैं इसकी भी मैच लेके लेके आप वहाँ निशान लगा सकते हैं। निशान लगाने के बाद आप ड्रिल मारें, ड्रिल मारने के बाद आप इसको फिट करके टाइट कर सकते हैं। ये लगाएगा इधर, उधर लगेगा, बाद में इसको अंदर जाएगा, इसको अंदर से फिर और होल टाइट करना भी और चीज है। ये हाँ ये लगाना पड़ेगा। ये तो असली बात, तुम प्लम्बर का जो लोग काम करने वाला वो ये मगर सही रहेगा तो मुश्किल नहीं, फिट कोई मुश्किल नहीं, आसानी से बाद में फिटिंग कर सकता। ओके हो गया। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग देखाएगा, तुम लोग को फिर ऐसे भी तरीके से काम करेगा तो फिर आसानी नहीं आएगा। तो हम लोग को नहीं, अभी दुआ करो, तुम लोग को भी दिया दुआ करेगा, सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो, कमेंट करो, और कुछ सुनना चाहिए तो वो भी बताओ, हम लोग आसानी से बोल देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।